प्रदेश में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है। फिलहाल नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार तीनों जिलों में डेंगू ने बुरा हाल किया हुआ है। वहीं हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने बताया कि हरिद्वार में आम जन को डेंगू के प्रति सतर्क और जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्याल ने समय समय पर मीटिंग कर रहे हैं। लोग मामूली बुखार से भी ज्यादा घबरा रहे हैं। प्लेटलेट जरा सी भी कम होने पर लोग हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लोगों से घरों में जमा पानी को बदलने की सलाह दी है। बुखार पीड़ित मरीजों की रैपिड और एलाइजा जांच कराई जा रही है। कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के अलावा फॉगिंग आदि पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। आमजन को डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। पता है बरसात के बाद एक सीजन आता ही है डेंगू मलेरिया का। हमारे यहाँ भी इस समय लगभग 387 केसेस आज की तारीख में हैं, जो कंफर्म केसेस हैं। बुखार भी कई तरह के चल रहे हैं, डेंगू भी है, वायरल बहुत है, वायरल प्लस टाइफाइड बहुत है, इस तरह के कई तरह के बुखार हैं। तो मैं तो आप लोग के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डेंगू से एक तो फोबिया ना बनाए, डरे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है बचाव, कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव का सबसे अच्छा माध्यम है सोर्स रिडक्शन। अपना घर, अपने घर के आसपास, अपनी छत, जहाँ भी आपको साफ पानी जमा हुआ मिले, चाहे वो थोड़ा सा अमाउंट में हो, तो उसे आप गिरा दें, पानी को खाली करें उस स्थान, ठीक है। और अगर खाली नहीं कर सकते हैं तो उसमें पुराना मोबिलाइल या जलावा तेल, जैसे हम लोग पहले डाल दिया करते थे, ये एक जरूर करें, जिससे कि मच्छर ना पनप सके। डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर साफ पानी में ही होता है। गंदरेला पानी, नाली का पानी या जो जमा हुआ पुराना सड़ा हुआ पानी है, उसमें मच्छर ये नहीं पैदा होते हैं। तो आपके माध्यम से एक मैसेज है, बचाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अपने आप को बचाएं। दिन में काटने वाला मच्छर है, डे टाइम रात के 8